नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय रेसलर WWE में जिन्होंने अपना नाम कमाया है और वर्ल्ड में जिस तरीके से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, रिंकू राजपूत जो कि WWE में वीर महान के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने दो दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और आप देख सकते हैं उन्होंने उसमें लिखा है, धर्म संस्कृति का मजाक और खिलवाड़ करने वाले मूवीज़ और जितने भी आप ये OTT प्लेटफॉर्म पर जो वेब सीरीज आती है उनके खिलाफ उन्होंने बहिष्कार करने की अपील करी। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ मूवीज़ की क्लिप्स और जो ये वेब सीरीज आती है उनकी क्लिप्स देखी, जिसमें भगवान और जो जितने भी हमारे सारे के सारे देवी देवता हैं उन सभी का जिस तरीके से अपमान किया गया है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का इन लोगों को कोई हक नहीं है और उन्होंने इन सभी जो इस तरीके की मूवीज हैं जो धर्म और देश के साथ हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती हैं उनका बहिष्कार करने का सभी से आह्वान किया है। आप सभी लोग इसको आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बहिष्कार से जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि अभी उसका जो बहिष्कार का ट्रेंड चल रहा है उसी को लेकर सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये उसी को लेकर ये वीडियो है, क्योंकि जो कुछ स्टेटमेंट्स पहले दिए गए थे आमिर के द्वारा उसी वजह से और PK फिल्म को लेकर भी लोगों में गुस्सा है, इसी वजह से उनकी जो नई फिल्म आ रही है उसका बहिष्कार किया जा रहा है। और उसी कड़ी में जो रिंकू राजपूत ने ये वीडियो डाला है और उन्होंने कहा है कि धर्म आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली मूवीज़ और जो वेब सीरीज है उनका बहिष्कार किया जाए। उन्होंने आखिर में कहा कि देश और धर्म सर्वोपरि है, तो सीधे सीधे उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन उन्होंने किसी मूवी का स्पेशली या किसी वेब सीरीज का नाम नहीं लिया। लेकिन लोग यही कह रहे हैं क्योंकि अभी दो दिन पहले उन्होंने वीडियो डाला है और अभी आमिर की फिल्म का जो बहिष्कार का जो ट्रेंड चल रहा है उसी को लेकर सभी लोग मान रहे हैं कि उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि इस तरीके की अगर कोई स्टेटमेंट्स देता है या कोई गलत तरीके से धर्म को दिखाता है उसकी बहिष्कार करने की उन्होंने मांग करी है। तो ये एक बहुत बड़ा जो उन्होंने आह्वान किया है और अपनी वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तरीके के वेब सीरीज और जो फिल्म है उनका किसी भी तरीके से समर्थन ना करें, उनका पूर्णतः बहिष्कार करें। आप उनका लुक भी देख सकते हैं, हमेशा वो अपने पूरे धार्मिक लुक में रहते हैं। बाकी के लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।